नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। अगर वाई आर एफ की माने, फिल्म के प्रोड्यूसर की माने, ट्रेड की रिपोर्ट माने, तो ये फिल्म हाईएस्ट हिंदी ग्रोसिंग मूवी बन गई है। सबसे ज्यादा ग्रोस कलेक्शन करने वाली हिंदी मूवी बन गई है, इस तरह की रिकॉर्ड इसने स्थापित की है और काफी ज्यादा कलेक्शन इसका आ चुका है। मैं ज्यादा बात कलेक्शन की आज नहीं करूंगा, मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए एक और खबर है कि 2 जून को उनकी फिल्म जवान रिलीज हो रही है, जिसे साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। शाहरुख खान के अपोजिट इसमें नयनतारा है। तो दोस्तों, इस फिल्म से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है, क्योंकि इसका भी एक छोटा सा, जब रिलीज इसको कर रहे थे तो एक छोटा सा टीजर जारी किया गया था। रिलीज जब इसकी शूटिंग शुरू कर रहे थे तब, तो वहां शाहरुख खान का एक खतरनाक लुक दिखाई दिया था वहां पर भी, और इसमें भी एक एक्शन, जबरदस्त एक्शन से भरपूर ये मूवी होने वाली है। और चूंकि एटली कुमार एक बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है, तो ये बॉलीवुड और साउथ का मिश्रण है, और शाहरुख खान आजकल इस तरह की फिल्में कर रहे हैं, उनको पता है कि लोगों को एक एक्शन एंटरटेनिंग मूवी चाहिए, थ्रिलिंग मूवी चाहिए, तो इसी तरह की ये फिल्म है। लेकिन आज मैंने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है कि ये किस प्रकार की मूवी है। आज मैंने ये बताने के लिए वीडियो बनाया है कि इस फिल्म में साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार, और साउथ के क्यों, अब तो भारत में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है हिंदी बेल्ट में भी, अल्लू अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा फिल्म के बाद में अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं, ना केवल साउथ में बल्कि हिंदी ऑडियंस में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। तो अल्लू अर्जुन का फिल्म जवान में एक कैमियो होने वाला है, ये खबर अब लगभग कन्फर्म हो गई है, और जल्दी ही वे इस फिल्म के लिए अपना जो शूट है वो कम्प्लीट कर लेंगे। तो फिल्म की शूटिंग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, कुछ सीन्स अल्लू अर्जुन के फिल्म आए जाने बाकी है, और ये काफी कुछ 99.9% ये कन्फर्म खबर है कि अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान पहली बार इस फिल्म में साथ नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन की ये पहली बॉलीवुड मूवी होगी जिसमें वे डेब्यू कर रहे हैं। हालांकि कैमियो है, उनकी फुल फ्लैश रोल नहीं है, लेकिन शाहरुख खान के साथ उनके एक दो सीन जरूर यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए काफी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अल्लू अर्जुन का फिल्म में आने का मतलब है कि फिल्म की हाइप और क्रेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इस फिल्म से कितनी उम्मीदें आपने लगा रखी है, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम।